अरे हम यहाँ महागठबंधन की जो जीत है, अरे हाथ थकाऊं यार, वो लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, बाबा साहब की जीत है, अम्बेडकर जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, इन सबों की जीत है, इनके विचारधारा की जीत है, एक भाईचारा की जीत है, और ये बिहार के लोगों की जीत है, और एक बिहार के लोग एक बार फिर से देश में संदेश दिया है, ये संदेश दिया है सभी लोगों को जो देश को एक रखना चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब को कायम करना चाहते हैं, जो देश की प्रकृति चाहते हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो केवल जुमलेबाजी करती हैं, गरीबों, किसानों, नौजवानों, जो आम नागरिक हैं इस देश के, इस राज्य के, उनके और कोई काम ना करते हुए उन पे बोझ डालती है, चाहे महंगाई की हो या बेरोजगारी की, या जितने वादे केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे जो पूर्ण नहीं किए, चाहे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार का स्पेशल पैकेज हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का दर्जा हो, हर एक सेंट्रल स्कीम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया, वो तो सारी बातें आज सदन में हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि संदेश आज बिहार विधानसभा से पूरे देश के विपक्ष को गया है, जो अमन चैन चाहते हैं उन सबको एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास पैदा हुआ है, और ये संदेश साफ है कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा, और हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, ये हमारी पुरखों की विरासत हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये साबित हो गया है असल में 2024 का, जो 40 में 40 एनडीए के खाते में था, आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 में 40 हम जीते, और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं, और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, और कुछ गोदी मीडिया एक सुबह से एक न्यूज चलाया जा रहा था, और बीजेपी और आरएसएस और संबाम इनके जमाई द्वारा एक भ्रम लोगों के मन में पैदा किया जा रहा था कि कहीं जो ट्रस्ट वोट है उसको प्रभावित करो, और कहीं ना कहीं से तेजस्वी के इमेज को, आरजेडी के परसेप्शन को बर्बाद करो। एक कंपनी का नाम लिया जा रहा था, जो कंपनी साफ तौर पे हमने उसका नाम लिया है अर्बन क्यूब्स मॉल है, और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है, हमने पता करवाया ये कि भाई ना मेरा लेना देना, ये कहां से कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं, तो भाई हम पता कि भाई क्या है, तो पूरा कागज हम लेके आए मंगवाए लोगों से, आजकल तो सारा ऑनलाइन है, कुछ डिटेल तो आपको मिल ही जाता है सारी चीजें, और हमारा तो जो कुछ है सबके सामने एफिडेविट में दिया हुआ है, चाहे हमारे परिवार का या हमारे पुरखों की संपत्ति हो या बात की जो भी बात हो, लेकिन भाई ये कौन ये चला रहा है इस तरह की न्यूज़, अर्बन क्यूब मॉल है, और असल में उस कंपनी का नाम जो सेक्टर 71 गुरुग्राम में जो छापे पड़ रहे हैं वो समझे व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये सारा कागज है, फॉर्म DIR है, और इसके डायरेक्टर जो है कृष्ण कुमार है, जो पता चला इससे पहले भी कोई होंगे, हमको क्या लेना देना उससे,
लेकिन ये इस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि ये हमारा मॉल है, और हम लोग तो पहले ही से बोल रहे थे कि बीजेपी को जो तमाचा लगा है तो फिर से अपने जमाइयों को आगे करेंगे, सीबीआई झूठ मूठ का झूठा केस बनाएंगे और ये चालू रहेगा। ये मेरा कैरेक्टर बर्बाद करने का परसेप्शन, इमेज जो है बर्बाद करने का इनका चलता रहेगा। तो हमने सदन में कहा कि इसमें तो पता चला, ये तो मेरा लेना देना नहीं, लेकिन इसमें बीजेपी के सांसद का कुछ है। अब हम आपको बता दें कि इस कंपनी के शुरुआत में जो है हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर गए थे, और हमारे पास तस्वीर भी आ गई है। उद्घाटन जो है मनोहर खट्टर ने किया, जो हरियाणा के सीएम बीजेपी के हैं, और कुछ कहा जाता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बीजेपी सांसद का, ये मनोहर खट्टर व्हाइट लैंड कंपनी का, पीछे देखिएगा व्हाइट लैंड, इसमें साफ तौर पर ट्वीट है व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन का सीएम मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा बेस्टोइंग वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर व्हाइट लैंड। अब तो भैया ये